हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रांसु एंड मम्मा। न्यू बॉर्न बेबी की पहली खुराक माँ का दूध होता है और माँ के दूध से ही उसके सारे पोषक तत्व बेबी को मिलते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर की डाइट का खास ख्याल रखा जाए। उसकी ब्रेस्ट फीडिंग मदर की डाइट बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक होनी चाहिए ताकि माँ और बेबी दोनों को पोषक तत्व पूरा मिल सके। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेबी की ग्रोथ और विकास होने के लिए पहली चीज़ जो है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। माँ के दूध में वो सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। WHO के मुताबिक 6 मंथ तक बेबी को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पर रखा जाना चाहिए, उसके बाद आइए, क्योंकि 6 महीनों तक बच्चा पूरी तरह माँ के दूध पर निर्भर है, तो मदर को भी अपनी डाइट को लेकर बिल्कुल अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मदर की डाइट का सीधा असर मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर पड़ता है। दूध पिलाने वाली माँ को सामान्य महिला की तुलना में 600 अतिरिक्त कैलोरी अपने खुराक में शामिल करनी बहुत ज़रूरी है। ये जो ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है, ये ज़्यादा कैलोरी मदर को अपने बैलेंस डाइट के थ्रू मिलनी चाहिए, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और पानी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अब ब्रेस्ट फीडिंग मदर की डाइट में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल होने चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ है प्रोटीन। ब्रेस्ट फीडिंग मदर का खाना प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। माँ के डाइट में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की कोशिकाओं और मांसपेशियों की ग्रोथ और बच्चे का वज़न बढ़ाने के लिए माँ के दूध में पर्याप्त प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन हमारे शरीर के हार्मोन्स, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज़ के विकास के लिए भी ज़रूरी होते हैं। दूसरी जो बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है ब्रेस्ट फीडिंग मदर की डाइट में, आयरन। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आयरन रिच फूड लेना बहुत ज़रूरी है, और जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है बेबी को, तब तक उसे फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ खाने से उनके आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए आयरन के सप्लीमेंट्स भी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मदर की बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो मदर और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। तीसरा पोषक तत्व ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए है कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम से मदर की हड्डियां मजबूत रहेंगी, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो इससे ब्रेस्ट फीडिंग मदर की हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, और जो मिल्क बनता है वो मदर की हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है, और इससे ब्रेस्ट फीडिंग मदर को पीठ में दर्द या शरीर में कहीं भी दर्द की शिकायत हो सकती है। तो कैल्शियम और विटामिन डी से युक्त पोषक तत्व ब्रेस्ट फीडिंग मदर को बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।